देखिए राय सुन आई हूँ छोटे भाभी के घर पे और इनकी छत पे आई हूँ। देखती हूँ भाभी ने क्या क्या लगाया है। ऊपर सब्जी का ऊपर रखा है भाभी ने। देखती हूँ क्या क्या लगाया है। ये देखो गाइस सब मैं आ गई छत पे और मैं आपको दिखाती हूँ। भाभी ने बहुत चीज़ें लगा रखी हैं ऊपर और बहुत अच्छा बेल के लिए भी वो कर रखा है। अब दिखाती हूँ आपको मैं। ये देखो गाइस भाभी ने कितनी अच्छी ये लगा रखी है लौकी की बेल और यहाँ पे लगा रखे लौकी तुरई और भी कुछ लगा रखा है भाभी ने। और ये देखिए कितना अच्छा बनाया भाभी ने ये लौकी की बेल के लिए जाल जैसा बना रखा है जिससे बेल इसी में सारे में लटक के और सारे में इसमें सब्जी लग सके। और ये है हमारा घर, हमारी छत दिख रही है। मैं अभी भाभी की छत पे आई हूँ ऊपर और वो है तुरई की बेल। भाभी ने कितना अच्छा लगा रखा है ये देखिए। ये एक है तुरई की बेल और ये है लौकी की बेल। मैं इसमें से पता नहीं कर पा रही हूँ कि तुरई कौन सी लौकी कौन सी है और कितना। और यहाँ पे देखिए लकड़ियाँ अच्छे से ढकती हैं, ठंडों में काम आती हैं आग सेकने के लिए। और ये देखिए भाभी ने कितने अच्छे से लकड़ियाँ ढक रखी हैं। और ये है शायद कद्दू की बेल है, पता नहीं किसी चीज़ की बेल है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कद्दू की बेल भी लगाई, लौकी तुरई और भी कुछ बता रही हूँ। एक देखिए ये जाल बनाया है भाभी ने, तो बहुत ही प्यारा जाल बनाया है, इतना प्यारा जाल बनाया। ये भी किसी चीज़ की फसल लगा रखी है। ये देखिए ये बेल कितना अच्छा सा जाल बना रखा है भाभी ने। ये सब्जी की बेल लगा रखी है और ये देखिए कितना अच्छा पौध लगा रखा है पीछे, यहाँ पे लगा दिया है पौध। धान की फसल लगा रखी है सब लोग, अभी देखो जगह जगह पे धान की फसल चल रही है। और पीछे देखिए धान लग चुके हैं और कुछ इस तरह काम चल रहा है। पीछे का आपको एरिया दिखाती हूँ, वो हमारा आम के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, केले के पत्ते दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ पे देखिए एक लेडीज़ बैठी है, वहाँ पे हमने पौध लगा रखी है अपनी। इस खेतों पे काम चल रहा है, सब लोग अपने अपने खेतों पे व्यस्त हैं, अपने घर में सबके ताला डला है लमसम लोगों के पास। ये देखिए पौध लगी है, कुछ लोग पौध लगा रहे हैं और बिल्कुल सब लोगों के घर में सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि सब लोग अपने खेतों में, अधिकतर लोग दिखाई दे रहे हैं उसमें धान लग रहा है खेतों में। और आप देख सकते हैं गाइस कितना अच्छा मौसम हो रहा है, वहाँ सारी जगह खेत में धान लग चुका है, दूर दूर तक फसल ग्रीन ग्रीन कितना प्यारा लग रहा है। पूरी ग्रीन ग्रीन हो रहा है, पूरा गांव ग्रीन हो रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। आज अपना गांव दिखाती हूँ छत के ऊपर से, कुछ इस तरह है हमारा गांव। ये देखिए गाइस अभी मैं आई हूँ भाभी की छत पे और बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। मैंने कहा चलो भाभी के घर देख के आते हैं क्या कर रहे हैं। अन्नू बना रही है खाना क्योंकि जल्दी बना के रख दे रही है। और भाभी गई हैं खेत पे और यहाँ पे मैं छत पे आई हुई हूँ, आपको पूरा गांव दिखाया है, गाँव का नज़ारा दिखाया है और बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा गाँव ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है, हरियाली ही हरियाली, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई है और देखने में बहुत मस्त लग रहा है, बिल्कुल एकदम शांति पीसफुल। क्योंकि ग्रीन चीज़ों को देख के तो वैसे ही एकदम से मन बिल्कुल शांत रहता हो जाता है क्योंकि हरियाली बहुत अच्छी लगती है, जैसे फूल पौधे अच्छे लगते हैं,
फ्लावर्स अच्छे लगते हैं। वैसे हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, पानी ही पानी है। और भाभी लगाने गई हैं बहुत, क्योंकि लेबरों के साथ चलना होता है, देखना होता है घर पे। और यहाँ पे भाभी ने छत पे सब्जी लगा रखी है बहुत अच्छी तरीके से, कट्टों में मिट्टी लगा के। और उन्होंने बहुत अच्छी बेल बना दी है, बेल चढ़ा दी है, बिल्कुल उनके लिए जाल बना रखा है, जिससे सब्जी मतलब फल आएगा, सब्जी का फल आएगा तो उसमें जो जाल लगा है उसमें अच्छे से लटकेंगी सब्जियाँ, कि जिससे नीचे ना वो हो, सड़े गले ना। और जब देखना सब्जी लगना स्टार्ट होगी तो उस जाल में ही लटकेंगी। बहुत ही प्यारे प्यारा बनाया है जाल, मैंने दिखाया था ना आपको कि इस तरह जाल बनाया है। ये बेल लगा दी है भाभी ने बहुत अच्छी तरीके से, इसमें ही सब्जी लटकने वाली हैं। भाभी को सब्जी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी वैरायटी लगा रखी हैं, 3-4 वैरायटी लगा रखी है। अब भाभी को सब्जी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मौसम बहुत अच्छा लग रहा, पूरा गांव बहुत हरियाली छाई है पूरे गांव में। और लमसम लोगों की पौध लग चुकी है, देखिए सारे खेतों में धान लग चुका है। मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए सारे लोगों ने धान लगा चुके हैं। कुछ हमारे खेत बचे हैं जो भाभी लोग लगा रही हैं। और यहाँ पे देखिए पौध लग रहे। आज मैं आई हूँ अन्नू के घर ब्लॉगिंग करने छत पे, और बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है यहाँ तो, बहुत अच्छा लग रहा है। ज़रा धूप है, और मैं ऊपर से दिखाती हूँ, यहाँ पे दुकानें खुल चुकी हैं मेडिकल की। और वो रहा हमारा घर, हमारा घर देख सकते हैं गाइस। ये पता नहीं किस चीज़ की बेल लगाई है, अभी मैं दिखाती हूँ, पास से आके देखती हूँ। बेल तो काफ़ी अच्छी हो गई है, अब इसमें लटकने वाली है सब्जी भाभी की। एक बेल ये भी लगा रखी है भाभी ने, ये शायद सेमी की है, जो लंबी लंबी फली होती हैं, बोड़े बोलते हैं जिसको, लुबिया भी बोलते हैं, ये उसी की बेल लग रही है। उसके पत्ते देख के मैं बता सकती हूँ ये लुबिया की है। और इसमें भी जाल बना दिया भाभी ने। और पीछे देखो बिल्कुल सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं, खेत जुताई हो रही है और ट्रैक्टर चल रहे हैं। यहाँ पे धान लग चुका है, ये देखिए गाइस। और जो वो पीछे हमारा खेत दिखाई दे रहा है, उसमें पौध डाली थी हमने, धान की पौध डाली थी, आधी पौध तो लग चुकी है, इसलिए खेत भी खाली होने वाला है। और वो देखिए ट्रैक्टर चल रहा है, सब लोग पौध अपने खेतों में नज़र आ रहे हैं ज़्यादातर लोग। ये देखिए यहाँ पे लग चुका है धान, भाभी ने लगा रखी हैं सब्जियाँ बहुत सारी, अब भाभी को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ लगी हैं, मुझे लगता है हो सकती हैं सब्जियाँ, जब अभी तो बेल अच्छी चल रही है बिल्कुल। और भाभी ने बिल्कुल अपना ऊपरी किचन गार्डन बना रखा है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी सब्जी लटकने वाली है अभी से। भाभी ने किचन गार्डन बना दिया है ऊपरी छत में ही, सब्जी खूब सारी लगाती हैं, ढेर सारी सब्जियाँ। आप भाभी को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम छत में ही आप गार्डनिंग कर सकते हो। और कट्टे में मिट्टी डाल के और इसमें जाल जैसा बना दिया है भाभी ने, आप भी कर सकते हो ऐसी गार्डनिंग। और बहुत अच्छे अच्छे तरीके से भाभी ने, बहुत माइंडेड है इसका मतलब यार।